Sixth question is, the price of 3 chairs and 2 tables is 4,500. 3 chairs or 2 tables खरीदोगे तो उसके लिए कितना खर्चा देना पड़ता है, 4,500. And price of 5 chairs and 3 tables, 5 chairs and 3 tables is 7,000 rupees. Then find the price of 2 chairs and 2 tables. Okay, क्या बताया हम लोग को यहाँ पे, 3 chair, 3 chairs and 2 tables costing is 4,500. 5 chairs and 3 tables costing is 7,000. तो अगर हम लोग ने 2 chairs और 2 tables ले तो उसके लिए हमें कितना पे करना होगा. Okay, let price of 1 chair be x and 1 table be y. चेयर की प्राइस हम लोगों ने क्या पकड़ी है, x, और टेबल की क्या है, y. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, 3 टेबल मतलब 3x, सॉरी 3 चेयर्स मतलब 3x एंड 2 टेबल्स मतलब 2y. 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4,500. कॉस्टिंग क्या होती है, 4,500. सेकेंड कंडीशन में क्या है कि अगर हम लोग ने 5 चेयर्स और 3 टेबल्स लिए तो आंसर क्या आता है, 7,000. ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ चेयर्स बढ़ा है, नंबर ऑफ टेबल भी बढ़ा है, तो यहाँ पे कॉस्टिंग भी बढ़ेगी, दैट इज 7,000. अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में कहीं पर भी ऐसे नहीं है कि एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, राइट, क्योंकि ना तो 3 के टेबल में 5 थे, ना तो 2 के टेबल में 3 आते, तो इनका एलसीएम निकाल के हम लोग को इसको सॉल्व करना होगा. तो मैंने क्या किया, वाई को मुझे एलिमिनेट करना है. किसको करना है, y को एलिमिनेट करना है. तो y के कोएफिशिएंट अगर मुझे सेम करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 है ना, इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि दोनों का एलसीएम मतलब क्या, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, राइट. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड 2 बाय 2, इक्वेशन 2 को मैंने नंबर 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा, 9x प्लस 6y, 3 से मल्टीप्लाई करो, राइट, 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 13,500, 13,500, ओके. और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 14,000, 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 14,000. अब देखो यहाँ पे y के कोएफिशिएंट सेम हो गए, 6, राइट, लेकिन दोनों सेम है तो सब्ट्रैक किया, सब्ट्रैक इक्वेशन 3 बाय 2, इक्वेशन 3 को क्या करो, 2 से डिवाइड, और सॉरी सब्ट्रैक करो इक्वेशन, सॉरी 4 से, इक्वेशन 4 क्या है, 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 14,000 माइनस 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 13,500. क्या क्या, सब्ट्रैक इक्वेशन 3 बाय 4, ओके. सी नाउ यहाँ पे सब्ट्रैक के ऐसे साइन चेंज हो गए, यहाँ पे साइन चेंज हुआ, यहाँ पर भी चेंज हुआ, 10x माइनस 9x x, 10x माइनस 9x x इज इक्वल टू 14,000 माइनस 13,500, आंसर इज 500. क्या आंसर है यहाँ पे, 500. नाउ प्लेस x इज इक्वल टू 500 इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4,500. सो 3 इंटू 500 प्लस 2y इज इक्वल टू 4,500. 5 थ्री 15. सो 1,500 प्लस 2y इज इक्वल टू 4,500. क्या आता है यहाँ पे देखो, 1,500 प्लस 2y इज इक्वल टू 4,500. राइट, सो 2y इज इक्वल टू 4,500 माइनस 1,500. 2y इज इक्वल टू 300 एंड y, सॉरी 3000. 2y इज इक्वल टू 3000 एंड y इज इक्वल टू 3000 डिवाइड बाय 2. y इज इक्वल टू 3000 डिवाइड बाय 2. y इज इक्वल टू 1500. मतलब चेयर की प्राइस यहाँ पे क्या आई है, x इज इक्वल टू 500 और टेबल की क्या आई है, 1500. हम लोग को क्वेश्चन पूछा है कि दो चेयर और दो टेबल, चलो ये मुझे परिवर्तन है, ऊपर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन मुझे परवर्ती नहीं है, तो थर्ड कंडीशन रखिए कि अगर मैंने दो टेबल और दो चेयर लिए, चेयर भी दो लिए और टेबल भी दो लिए, तो मुझे कितना कॉस्ट देना होगा. प्राइस ऑफ टू चेयर एंड टू टेबल्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2y. ये x चेयर है और ये क्या है, टेबल है.
तो x की वैल्यू क्या है 500 और y की क्या है 1500. सो 2 इंटू 500 1000 प्लस 2 इंटू 1500 3000, दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आया 4000. मतलब कॉस्ट ऑफ टू चेयर्स एंड टू टेबल्स इज रुपीज 4000. अगर मैं दो टेबल और दो चेयर लेता हूँ तो उसकी कॉस्टिंग क्या होगी 4000. गॉट इट एवरीवन? राइट डाउन.